गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कल हम वेब पढ़ रहे थे, है ना। वेब का एक नया लेक्चर शुरू किया था कल की वीडियो आपने देखा होगा। उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है कि जब दो से कम बना गया था, तो उसमें तो जब मर्ज किया गया उसको, तो जो पार्ट वन है ठीक वो बाद में पहुंच गया, और जो पार्ट टू है उसका जो बाद वाला पार्ट है वो पहले पहुंच गया। तो अगर 4 मिनट का पहले का पार्ट टू है और 4 मिनट बाद का पार्ट वन, पहले पार्ट वन उसके बाद में हुआ से देख लेना। वो यहाँ से क्या होगा, मेरे पास गिर जाता था तो उस संबंध में उसको बंद कर दिया था। उसके बाद पार्ट टू के चालू मर्ज करते हैं, वो आगे पीछे हो गए हैं, तो देख लेना कंप्लीट करके, समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा ठीक है। तो आप जो पढ़ रहे थे वेब, मैं हमने आपको दो तरीके की वेब्स बताई थी, एक और यांत्रिक वेब और एक विद्युत चुंबकीय वेब ठीक है ना। और उसके बाद मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी बताई थी, जैसे कि तरंग चाल, वेव स्पीड ठीक है ना। अब वेव स्पीड के बाद आज नेक्स्ट पढ़ते हैं आवृत्ति, क्या आवृत्ति ठीक है ना। आवृत्ति मैं कहते हैं इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ठीक है ना। आवृत्ति क्या होती है ठीक, आवृत्ति तो आवृत्ति क्या होती है, जब किसी माध्यम में लिखने चाहता हूं लिख सकते हैं, जब किसी माध्यम में कण द्वारा एक सेकंड में कंपन करती ना, फ्रेंड्स है, कुल कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। उस कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। ये तो कण के रूप में हो गए। अब मान लो हम तरंग के रूप में कह सकते हैं, तरंग के रूप में इसकी परिभाषा क्या होगी, तरंग के रूप में इसकी परिभाषा होगी किसी समय या एकांक समय, हाँ एकांक समय में किसी तरंग द्वारा एक निश्चित स्थान से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, क्या तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, है ना, आवृत्ति कहते ठीक। आप मेरी वॉइस पर ध्यान दें तो वॉइस से ज्यादा समझ में आएगा, अदरवाइज अगर हमारी राइटिंग आपको समझ में आ रही है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी राइटिंग खराब आती है, वॉइस पर ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर ठीक ओके। अब हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से, कैसे करते हैं बी से, आवृत्ति को हम बी से रिप्रेजेंट करते ठीक। ये थोड़ा ऐसा होता है ठीक, इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते ठीक। और आवृत्ति होती है वो आवर्तकाल टी के व्युत्क्रमानुपाती, कैसे होती है व्युत्क्रमानुपाती, तो बी बराबर होता है इनका 1/T क्लियर है ना, लिख लेंगे हम प्रति सेकंड,
या प्रति से, इसे बी से या एन से प्रदर्शित करते हैं। और बी बराबर क्या होता है, बराबर कौन टी, मतलब बी जो होती है काटे निर्भर होती है केवल आवर्त पर, आवृत्ति जो होती है केवल आवर्त काल पर निर्भर करती है, ये उसके माध्यम पर, उसकी चाल पर, किसी भी चीज पर ये निर्भर नहीं करती है, ये केवल उसके आवर्त काल पर निर्भर करती है। तरंग दैर्ध्य का जो आवर्त काल होता है ठीक उस पर ही निर्भर करती है। ठीक है, इस लोग नेक्स्ट होती है वेवलेंथ, क्या होती है वेवलेंथ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग होती है वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होती है, माध्यम के किसी भी कण बोलते हैं, किसी भी कण के एक कंपन काल के, किसके कंपन काल के दौरान तय दूरी, दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। माध्यम के किसी भी कण द्वारा एक कंपन काल के दौरान, एक कंपन काल के दौरान तय गए किए बिंदु क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। या अगर इसको हम दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो दूसरे शब्दों में हम इसे कैसे लिखेंगे, दूसरे शब्दों में हम इसे लिखेंगे कि एक समान कला में कंपन करने वाले दो निकटतम कणों के बीच की दूरी, समान कला में कंपन करने वाले समान कला में कंपन करने वाले दो कणों के बीच की दूरी को कहते हैं तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक, क्या होती है तरंग दैर्ध्य, जैसे मान लो मीरा, ठीक है डाली, इसको क्या कहते हैं तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होती है, दो कणों के बीच की दूरी, ये और ये क्या कहलाते हैं तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को विघटन क्या कहते हैं, इसको विघटन करते हैं हम लैम्डा। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है लैम्डा या तरंग, चाहे तो दो चीज की मान लो, चाहे दो क्रमागत गति की मान लो, इसको क्या कहते हैं लैम्डा या तरंग। इसकी परिभाषा हम ये भी लिख सकते हैं कि दो क्रमागत चीजों के बीच की दूरी या दो क्रमागत गतियों के बीच की दूरी को हम लैम्डा कहते हैं या तरंग दैर्ध्य कहते हैं किसी तरंग की। ठीक, इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई दूरी है, तो दूरी को क्या होती है मीटर, दूरी तो होती है, तो तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या होती है मीटर। क्लियर है, ओके लिख लेते हैं इसे। ठीक, मान लेते हैं हम तरंग चाल जो है वो बी, ठीक है मान लेते हैं तरंग चाल बी, और उसका आवर्त काल जो है, आवर्त काल जो है वो टी, आवर्त काल की है तरंग दैर्ध्य बी, तो उसकी तरंग दैर्ध्य तरंग चाल बी, तो उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, ठीक क्या होती है लैम्डा, लैम्डा को कितनी होगी बी, बी इंटू टी, है ना, कैसे होगी, कैसे होगी आपने पढ़ा होगा चल बराबर कितनी होती है दूरी बटे समय, दूरी बराबर कितनी होगी चाल मृत समय, समय क्या है आवर्त काल, चाल क्या है बी,
और तरंगा क्या होती है, दूरी दूरी होती है, एक कण द्वारा दो तरंगों के बीच की या दो संपीड़नों के बीच की या दो आयामों के बीच की दूरी को ही तो कहते हैं। तो तरंगदैर्ध्य की दूरी होगी वो बराबर होती होगी चाल गुणक v के, होगी क्लियर है। अब हम जानते हैं आवर्त का t बराबर कितना होता है, t बराबर होता है 1/v। ये भी क्या है, ये भी है आवृत्ति, क्या है आवृत्ति। तो हम यहाँ पर इसको रख देंगे तो हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू v तो है ही, t की जगह कितना आ जाएगा 1/v, ठीक है 1/v। अब v को इस तरफ भेज देंगे तो ये तरंग चाल है, तरंग चाल आ जाती है लैम्डा इनटू आवृत्ति, है ना। हम चाहे तो n के मान मान ला कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आवृत्ति को हमें यहाँ क्या मानते हैं, n की क्या आवृत्ति को तुरंत प्रदान कर सकते हैं, तो हम आवृत्ति को n मान लेते हैं, ये जीव रूपी में दिक्कत है, ठीक। तो यार ये क्या है, तरंग चाल ये इक्वेशन बन रही है, तरंग चाल बराबर होती है लैम्डा, लैम्डा क्या है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के गुणनफल की, ठीक है क्लियर है। ये इसका एक फॉर्मूला आ जाता है, इसके एक आध दो क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आयाम का, प्लीज एम पी क्यू एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है क्या होता है एम्पलीट्यूड, माध्यम से मैं किसी साम्यावस्था में एक कण द्वारा अपने आसपास के दोनों ओर की दूरी, तो इसको दोनों ओर की साम्यवस्था के दोनों ओर की दूरी के विस्थापन, ठीक क्या कहते हैं हम आयाम कहते हैं, ठीक। तो किसी माध्यम में क्या माध्यम में माध्यम में कण की साम्य स्थिति, हाँ साम्य साम्य स्थिति क्या होती है, वो स्थिर होती है, कहते हैं साम्य स्थिति। साम्य स्थिति में दोनों ओर, दोनों ओर अधिकतम, अधिकतम विस्थापन को कण का आयाम कहते हैं, क्या कहते हैं कण का आयाम कहते हैं, ठीक है ना। माध्यम में कण की साम्य स्थिति में दोनों ओर के अधिकतम विस्थापन को कण का आयाम कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल, ठीक है ना, इसको स्मॉल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आयाम द्वारा होती है कला, क्या होती है कला का कहते हैं फेस, कहते हैं फेस, क्या होती है फेस, क्लियर। फेस क्या होती है, फेस जो होती है किसी कण की स्थिति को बताती है, क्या बताती है स्थिति को और गति की दिशा, मतलब यदि कण कंपन करते हुए कण की कला उस क्षण कण की स्थिति तथा गति की दिशा परिवर्तित करती है, मतलब किसी समय जो कला होती है वो क्या होती है, किसी समय कण की स्थिति एवं गति दिशा या गति की दिशा बताती, क्या बताती है दिशा बताती, ठीक है। किसी समय कण की स्थिति एवं गति की दिशा बताती है, तो हम क्या कहते हैं फेज। अब
फेज दो प्रकार के होते हैं, एक सेम फेज होता है और एक अपोजिट फेज होता है। सेम फेज अपोजिट फेज क्या होते हैं? सेम फेज ठीक, सेम फेज क्या होता है? जब दो समान कण हो ठीक और वो एक ही दिशा में हो ठीक, और उनकी स्थिति भी कैसी हो? समान हो ठीक। जब दो कभी गतिशील कण समान दूरियों पर हो और एक ही दिशा में हो, एक ही स्थिति में हो, तो उनको क्या कहते हैं? हम सेम फेज। और अपोजिट फेज क्या होता है? अपोजिट फेज होता है जब दो कण समान आयाम में हो, समान स्थिति में हो, लेकिन उनकी दिशा विपरीत हो। डायरेक्शन कैसे हो? विपरीत। बस डायरेक्शन का अंतर, डायरेक्शन में भी सेम है तो वो कैसे कहलाएंगे? सेम फेज के। और अगर उनकी डायरेक्शन विपरीत है, बराबर है तो दोनों की डायरेक्शन विपरीत है तो हम क्या कहते हैं उसको? अपोजिट फेज। वो बताइए अपोजिट फेज ठीक है, मैं रख रहा हूं उसको हम क्या कहते हैं? अपोजिट फेज ठीक है। और अगर मान लो ये तो चलो गति का विस्तार होता है, अगर मान लो सामने वस्ता होती है कि किसी सामने वस्ता इसमें सामने वस्ता और उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या? प्रारंभिक स्थिति, सामने वस्ता, सामने वस्ता से प्रारंभिक स्थिति के बीच में जो कोण बनता है ना, उस हम कोण को कहते हैं प्रारंभिक कोण या प्रारंभिक फेज या प्राइमरी फेज ठीक है। ना कर लो, इसके बाद आगे एक और टर्मिनोलॉजी बताती है, उसको टर्मिनोलॉजी को आज और खत्म कर देते हैं ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है तरंगनाम वेव फॉर्म। वेव फॉर्म क्या होता है? वेव फॉर्म किसी तरंग का वो क्रस्ट होता है जहां पर प्रत्येक बिंदु या प्रत्येक बिंदु की जो कला होती है, कला क्या होती है? उसकी स्थिति और दिशा वो एक समान कैसी होती है? एक समान। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि किसी जो तरंगाग्र होता है वो तरंगाग्र किसी तरंग का ऐसा पृष्ठ होता है, किसी तरंग का ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर ठीक क्या लिखेंगे? किसी तरंग में, किसी तरंग में तरंगाग्र ऐसा ऐसा प्रश्न होता है, ऐसा प्रश्न होता है जिसके प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु पर समान कला, उसके तरंग पर किसी तरंग के तरंगाग्र में ऐसा बिंदु होता है जिसके ऐसा बिंदु ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु के कणों की कंपन कला समान होती है। समान कला प्रत्येक बिंदु पर कला समान प्रत्येक बिंदु पर कला समान होती ठीक है। प्रत्येक बिंदु पर कंपन कला समान, कला क्या होती है? कला उसकी स्थिति और उसकी दिशा का निर्धारण, कला क्या करती है? उसकी स्थिति और उसकी दिशा का निर्धारण। और तो तरंगाग्र वो प्रश्न होता है जहां पर किसी बिंदु का किसी माध्यम में किसी बिंदु पर समान कला या कंपन की समान कला होती है ठीक है ना। ये टर्मिनोलॉजी होती है तरंग में। अगर टर्मिनोलॉजी पूछे आएंगे तो इन्हीं के एक दो के बारे में पूछा जाता है और इन्हीं के एक दो बारे में भाषा लिखी होती है तब कंप्लीट कर लेंगे, कल एक समीकरण बनाएंगे ठीक है ना। थैंक यू फॉर द क्लासेस।